हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। आज का वीडियो है एक ऐसे पेनी स्टॉक पे जिसमें आज एक बड़े डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई है। आप देख सकते हैं स्टॉक का करंट प्राइस है 3.06 रुपीज़, जो कि इसके 52 वीक हाई का लेवल भी है। और इस प्राइस पे कंपनी ने 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड की आज डिक्लेरेशन की है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कौन सी है ये कंपनी, डिविडेंड की क्या डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड की डिटेल्स जान लेते हैं। आज इस कंपनी में डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई है एंड फाइनल डिविडेंड है जो इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है 25 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। ये फाइनल डिविडेंड है ये अप्रूव होगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। एजीएम की डेट और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस कंपनी के पास्ट डिविडेंड्स अगर हम देखें तो पास्ट में भी कंपनी ने अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं अपने शेयर प्राइस के हिसाब से। 3 रुपीज़ का ये शेयर है और पास्ट में कंपनी ने 15 रुपीज़ के डिविडेंड भी डिक्लेयर किए हैं, 5 रुपीज़ के डिविडेंड भी डिक्लेयर किए हैं एंड 10 रुपीज़ के डिविडेंड भी इस कंपनी में आए हैं। सो 2009 से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हर साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और किसी ईयर में तो कंपनी ने इंटरम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 0.06 करोड़ का है। शेयर का करंट प्राइस है 3.06 रुपीज का, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है और 52 वीक लो है इस शेयर का 2.2 रुपीज का। बुक वैल्यू है इस शेयर की 6,69,010 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 4.90% का। ROCE है 1.17 एंड ROE है 0.89। फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो अभी इस शेयर में स्प्लिट भी हो सकता है। कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है कंपनी पे एंड डेट टू इक्विटी भी जीरो है। EPS है इस कंपनी का 3780 रुपीज का। प्रमोटर की स्ट्रांग होल्डिंग है इस कंपनी में। प्रमोटर 75% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। स्टेक प्लेस्ड नहीं है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ हो रही है 10% नेगेटिव के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है 26% के हिसाब से। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करी है 28 करोड़ की एंड पेट्रोस की स्कोर है इस कंपनी का 5 का। कंपनी के मेन प्रमोटर्स की अगर बात करें, कंपनी को प्रमोट किया है वकील फैमिली ने। अरविंद वकील जो कि इस फैमिली के हेड हैं, वो एशियन पेंट्स में भी वन ऑफ द मेन प्रमोटर थे जब एशियन पेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में। इस कंपनी ने डीलिस्टिंग के लिए भी ट्राई किया था। प्रमोटर ने डीलिस्टिंग ऑफर दिया था 2013 में, जो कि फेल हो गया। इसके बाद 28 मार्च 2022 में भी इस कंपनी ने डीलिस्टिंग के लिए ट्राई किया था और ये ऑफर भी फेल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि ये यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर 74.98% का स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। प्रमोटर वकील फैमिली है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड पब्लिक भी इस कंपनी में 25% का स्टेक होल्ड करती है। बट इस कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग बहुत कम होती है बिकॉज कोई भी इस कंपनी के शेयर को सेल ही नहीं करना चाहता है। BSE के डेटा के हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग इस कंपनी के शेयर में हुई थी 7 दिसंबर 2022 को, जब इस कंपनी के 100 शेयर सेल किए थे किसी ने और 100 शेयर किसी ने बाय किए थे। सो ट्रेडिंग बहुत कम होती है इस कंपनी में, ये एक इशू है। अगर इस कंपनी के हम सिर्फ 100 शेयर खरीद लेते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 306 रुपीज की और हमें डिविडेंड मिलेगा 25×100 यानी कि 2500 रुपीज का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये शेयर मिलता नहीं है बिकॉज ट्रेडिंग इस शेयर में बहुत कम होती है। लेकिन हम ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, अगर हमें ये शेयर मिल गया तो हम लकी होंगे बिकॉज डिविडेंड की फॉर्म में ही हमें एक अच्छी इनकम हो जाएगी। नाम जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए एंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले एंड हम आपके लिए कंटेंट लाते रहें। कंपनी का नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में एंड ये कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है। सिर्फ BSE पे ये कंपनी लिस्टेड है, NSE लिस्टेड ये कंपनी नहीं है। एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। कंपनी के शेयर्स BSE में लिस्टेड है, NSE लिस्टेड ये कंपनी नहीं है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है कि कंपनी शेयर्स, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी की 2 सब्सिडियरी कंपनी भी हैं जिनका नाम है मुराहर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सुप्रस्वार इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये दोनों कंपनी भी NBFC कंपनी है और RBI के साथ रजिस्टर्ड है। सो ये कंपनी है जिसने बड़े डिविडेंड की डिक्लेरेशन की है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।